बाबू चलो ठीक है। देखो ये सबसे आसान वाला टॉपिक है, ठीक है ना। ए लव बाबू ऑन करो, नहीं तो एक छड़ी चढ़ा देंगे। नया ऑन करेगा, एक छड़ी चढ़ा देंगे लव। देखो बाबू ये सबसे आसान वाला टॉपिक है ना। कल हम आपको पढ़े थे बाबू, हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यही था, उसमें टू नहीं था। ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी में अंतर होता है, ठीक है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला कल बताए थे बाबू, वी ऑर्बिटल बराबर कितना बताए थे, जी एम बटा आर बताए थे, या आर प्लस एच कर रहे थे, आर प्लस एच किए थे ना। अब मान लो बाबू अर्थ के सरफेस पर से फेंकोगे तो एच के वैल्यू नियरली कितना होगा, निग्लेजेबल होगा, तो जी एम बटा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी यही बताए थे ना, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है बाबू? ऑर्बिटल वेलोसिटी वह वेलोसिटी होता है बाबू, है ना, कि अर्थ के सरफेस से कितना वेलोसिटी दोगे कि यह ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, इस ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करे, रोटेट करने लगे, क्या करे, रोटेट करने लगे, है ना, है ना। ये बाबू न्यूटन्स का मैंने ये खोजा हुआ कंसेप्ट था, है ना। मतलब ये आप अर्थ के सरफेस पे खड़ा हो जाओ, ठीक है ना, बहुत ऊंचाई पे, और यहाँ से एक बॉल फेंकोगे, तो बॉल फेंकोगे तो क्या होगा, है ना, अर्थ के सरफेस पे खड़ा हो जाओ, बोला एक बॉल थ्रो करो, तो थोड़ा दूर के बाद यहाँ गिरेगा, फिर और थोड़ा कस के थ्रो करोगे तो फिर यहाँ पे गिर जाएगा, फिर और थोड़ा कस के थ्रो करो तो फिर इधर आके गिरेगा, ऐसे गिरे ना। तो वह मिनिमम वेलोसिटी दो बाबू, जिससे क्या होवे कि अर्थ इसको ग्रेविटी को खींचे लेकिन गिरे नहीं, गोल गोल क्या होवे, इसके चारों ओर इसका ऑर्बिटल में क्या करे, रिवॉल्व करे लगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमको कितना कले वैल्यू आया था, कितना वेलोसिटी मिनिमम देंगे, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का निकाले थे कितना निकाले थे, 8 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में बाबू 8 किलोमीटर, इतना स्पीड दे दो कि 1 सेकंड में कितना दूर चल जाए, 8 किलोमीटर दूर चल जाए। तो यह ऑब्जेक्ट क्या होगा बाबू, अर्थ के चारों ओर क्या होगा, गोल गोल घूमने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। बेटो वीडियो ऑन करो यार बाबू, अंशु जी ऑन करो जी, सर ठीक, घूमेगा उसी सर, को क्या इतना कहते हैं, स्पीड से ना सर। हाँ उसी क्या, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक मैंने अर्थ के सरफेस पे है ना वो 8 किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की वेलोसिटी दे दो, है ना, तो क्या होगा, गोल गोल घूमने लगेगा, है ना, गोल गोल घूमने लगेगा, ठीक है ना। तो ये कल हम लोग पढ़े थे। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है बाबू, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इसको समझना। ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, अंतर होता है, एस्केप वेलोसिटी वह मिनिमम वेलोसिटी होता है बाबू, है ना, वह मिनिमम वेलोसिटी होता है, शांति से समझना। दोनों आसान सा टर्म है और ये सब कंपटीशन वगैरह में खूब पूछता है ना। ये मेरा अर्थ है, तो वह मिनिमम वेलोसिटी होता है बाबू, है ना। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मान लो छोटा सा पत्थर है, इसको फेंकोगे तो फेंकोगे बॉल बाबू, फेंकोगे तो पुनः क्या होगा, अर्थे पे आके गिरेगा ना जी। अरे शैतान, शांति से समझो। जैसे मान लो अर्थ है, यही मान लो इज्यूम करो बहुत बड़ा है, क्या बहुत बड़ा, यहाँ से कोई पत्थर फेंकेगा तो आके इसी पे गिरेगा ना। हम लोग पत्थर ऐसे करके फेंक रहे हैं तो अर्थे के सरफेस पे आ रहा है ना, है ना। अभी हम लोग अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, अर्थ के सरफेस से ऊपर ऊपर ही खड़ा है वो, जो भी मकान बिल्डिंग रहा है अर्थ के सरफेस पे, अंदर तो है नहीं, तो यहाँ पे कुछ हो फेंकते हो तो अल्टीमेटली क्या आता है, अर्थ के नीचे ही गिरता है ना, ठीक। अब शांति से समझना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकोगे वो तो क्या होगा, नीचे अर्थ पे ही गिरेगा, है ना। और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाओ तो अर्थे पे गिरेगा, और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाओ तो अर्थे पे गिरेगा, कहाँ गिरेगा, अर्थे पे गिरेगा, है ना। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, वह मिनिमम वेलोसिटी बाबू, वह मिनिमम वेलोसिटी। अभी अर्थ पे क्यों गिरा कि अर्थ इसको क्या करा, अट्रैक्ट करा, शांति से समझते चलना। अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों गिरा, क्योंकि अर्थ ऑब्जेक्ट को क्या करा, अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसीलिए क्या करा, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करा इसके, इसीलिए क्या हो रहा, अर्थ की ओर क्या हो रहा, गिर रहा, ठीक। अब इसके वेलोसिटी को क्या कहेंगे बाबू, वह मिनिमम वेलोसिटी दो कि अर्थ के जो बाबू इसका ग्रेविटी फोर्स है, इसके ग्रेविटी से क्या चल जाए, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से क्या चल जाए, बाहर चल जाए, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से क्या चल जाए, बाहर चल जाए। वह मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा सर किसी ऑब्जेक्ट पे, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे वह मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा सर, क्यों क्या हो जाए, उस पर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, है ना, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस मतलब उस वहां पे क्या करे वो, उतना मिनिमम वेलोसिटी दो ताकि वहां पे ग्रेविटी काम नहीं करे, और उतना हाई स्पीड से क्या करे, अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाए, है ना। तो जो मिनिमम स्पीड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी कहेंगे ना। वह मिनिमम वेलोसिटी बाबू जो मेरा क्या होगा, अर्थ के ग्रेविटी से, है ना, अर्थ या किसी कोई भी प्लानेट हो सकता है, जरूरी नहीं कि अर्थ है, मंगल भी हो सकता है ना, कोई भी प्लानेट हो सकता है, तो उसके जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा, है ना, उसके इफेक्ट से क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी वह मिनिमम वेलोसिटी होता है बाबू जिससे क्या करे, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करे, रोटेट करे, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे, है ना। और इसके वेलोसिटी मान लो 8 किलोमीटर पर सेकंड दे दिया, मान लो इस स्टोन का जो वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर सेकंड दे दिया, तो ये स्टोन क्या होगा, इसके चारों ओर रोटेट करने लगेगा, है ना, और इससे ज्यादा वेलोसिटी दे दो, है ना, ऐसा मशीन गन लाओ, है ना, ऐसा मशीन गन लाओ जो इससे भी ज्यादा वेलोसिटी अथी करे, है ना, क्रिएट कर दे, है ना, ठीक है ना। मान लो बाबू 8 से ज्यादा, मान लो 11 दे दो, है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, है ना,
अगर अर्थ के सर्फेस बाबू इतना 1 सेकंड में मतलब 11.2 किलोमीटर का अगर स्पीड दे देते हो 1 सेकंड में, तो क्या होगा, ये अर्थ पे कभी लौट के वापस नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी से क्या होगा, है ना, बाहर हो जाएगा, अर्थ पे इसका भी लौट का ये नहीं जाएगा, है ना। एक बार ऐसे अर्थ के छत पे जाओ, 10 मंजिला बिल्डिंग पे ऊपर में, और एक बंदूक लो, और उस बंदूक के गोली का इतना स्पीड होना चाहिए कितना, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, है ना, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर जाना चाहिए, अगर इतना स्पीड से गोली चला दिया, ठीक, एकदम यार छत पे आप तो जाके बोले बूम थे बूम, 8 8 किलोमीटर पर सेकंड। कन्फ्यूज जाएगा, यही में जूता चप्पल कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है, इतना मीटर का अगर स्पीड से चला दिया तो वह गोली बाबू अर्थ के सरफेस पे नहीं आएगा, अर्थ के सरफेस पे नहीं आएगा, है ना, सीधे दम कहाँ चल जाएगा, स्पेस में चल जाए ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एस्केप वेलोसिटी, माने वो क्या हो गया, एस्केप हो गया, क्या हो गया, एस्केप हो गया। आर्ट जो था शैतान, वीडियो बंद करके ना, अभी स्टार्टिंग में बताएं कि आर्ट क्या था, वीडियो ऑन करो, सुनता नहीं बात से, वीडियो ऑन करो सुजीत, स्टार्टिंग में बताएं बाबू कि आर्ट क्या है और एस्केप क्या, दोनों सूर्या से बता रहे हैं, बेटो ऑन करो जी, शैतान सर 8 किलोमीटर सुनता, का ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी है। हाँ सुन भी नहीं करता मन से, देखो आपको बाबू अर्थ के सरफेस पे बाबू, है ना, हम लोग को दो तरह के वेलोसिटी पढ़ना, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे मान लो, है ना, 10 मंजिला बिल्डिंग है, जाके ऊपर बुर्ज खलीफा पे जाके खड़ा हो जा, वहां से कोई पत्थर फेंको, है ना, वहां से क्या करो, कोई स्टोन फेंको, तो अभी इसको कितना स्पीड से फेंकोगे, अगर 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से कम फेंकेगा, माने 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये फेंकेगा, तो ये पुनः अर्थ पे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, गिर के अर्थे पे आ जाएगा, है ना, पत्थर जा कैसे फेंकते रहो, है ना, बुर्ज खलीफा पे जाके, है ना, हाँ सर 9 हुआ तो सर बताते हैं 9 हुआ तो, ठीक है, तो 8 से अगर कम दोगे तो ये पुनः कहाँ होगा, अर्थ के सरफेस पे ही आके गिरेगा, ठीक, अगर 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, मतलब 1 सेकंड में इतना स्पीड दे दो कि 1 सेकंड में 8 किलोमीटर चल जाए, तो यह अर्थ के सरफेस पे नहीं आएगा, अर्थ के चारों क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये सब थोड़ा हाइपोथेटिकल चीज है, इमेजिन करो, है ना, कि हम लोग अंतरिक्ष में, कहाँ अंतरिक्ष में, है ना, स्पेस में, तो उस केस में क्या होगा, अर्थ के सरफेस इसको नहीं खींचेगा, ये क्या होगा, है ना, ये आपका सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, क्या लगेगा, रोटेट करने लगेगा, है ना, रिवॉल्व करने लगेगा, ठीक, अगर सर 8 से ज्यादा दे देते हैं, 8 किलोमीटर से ज्यादा दे देते हैं, मान लो 11.2 किलोमीटर दे देते हैं, तो 11.2 किलोमीटर स्पीड दे देते हैं ना, तो ये वो क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट नहीं करेगा, है ना, ये इसका अर्थ का ग्रेविटी नहीं होगा, सीधे अर्थ के ग्रेविटी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना, बाहर निकल जाएगा, है ना, तो मिनिमम स्पीड आपको बाबू मान लो कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं अप्लाई होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, है ना बुर्ज खलीफा पे खड़ा हो जाके गोली चला, ढिसुम ढिसुम ढिसुम, अगर उस बुलेट का स्पीड बाबू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, तो वो बुलेट पुनः अर्थ के सरफेस पे कभी नहीं आएगा, अर्थ के सरफेस पे कभी नहीं आएगा ना, वो क्या चल जाएगा, इन्फिनिटिव चल जाएगा, बहुत दूर चल जाएगा, है ना, कभी नहीं आएगा, है ना, वो क्या होगा, इन्फिनाइट तक चल जाएगा, है ना, मिनट अगर थोड़ी ना आठ से चल रहे कहीं क्या, जाके रुके, कहीं जाके रुकेगा ना। अब स्पेस में कहीं जाकर रुकेगा तो रुकने के लिए बाबू आपको पता नहीं बाबू स्पेस में क्या होता है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, एयर वगैरह कुछ नहीं होता, तो वो आगे चलते जाएगा, चलते चल जाएगा, ना चलते चल जाएगा, फिर एक्सटर्नल फोर्स वगैरह लगेगा तो रुकेगा, वो बाद बस की बात है, ठीक, अब वो आगे बहुत सेलेस्टियल बॉडी है बाबू, बहुत सारा प्लानेट एस्टेरॉइड बाबू सबसे टकराएगा, तो उससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब बाबू कि कितना मिनिमम वेलोसिटी देंगे बाबू, कि ये क्या हो गया, अर्थ के इन्फ्लुएंस से क्या हो गया, अर्थ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हुआ ना, तो जो मिनिमम वेलोसिटी दोगे उसी का नाम क्या रखा गया, एस्केप वेलोसिटी रखा गया, और कुछ नहीं, उसी का नाम क्या रखा गया, एस्केप वेलोसिटी रखा, अगर इससे कम दोगे, 11.2 से कम दोगे, 8 से ज्यादा दोगे, तो पुनः किस ऑर्बिट में रोटेट करेगा, इलेप्टिकल पाथ में रोटेट करेगा, कैसा करेगा, इलेप्टिकल पाथ में अर्थ के चारों ओर क्या करेगा, रोटेट करते रहेगा, है ना, 8 दोगे सर्कुलर होगा, 8 11 के बीच में दोगे तो इलिप्स वाला पाथ में, अंडा वाला शेप में, कैसा, अंडा वाला शेप में रोटेट करेगा, है ना, अंडा वाला शेप में रोटेट करेगा, ठीक है, 11.2 से ज्यादा दे दोगे या मिनिमम इतना दे दोगे, तो क्या होगा, अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा, अर्थ के ग्रेविटी से क्या होगा, बाहर निकल, ऑर्बिटर भी बाहर नहीं निकल जाएगा, है ना, घूमेगा बाहर, क्या बोलो, 11.2 में, ऑर्बिट में भी नहीं घूमेगा। नहीं ये बाहर निकल जाएगा, इससे बाहर निकल जाए, हाँ, लेकिन वो कंडीशन अप्लाई की एयर का रेसिस्टेंस वगैरह नहीं होना चाहिए, 11.2 दे रहे हो लेकिन क्या होना चाहिए, एयर का रेसिस्टेंस वगैरह नहीं होना चाहिए ना, हवा का रेसिस्टेंस रहेगा तो फिर आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो जो भी ऐसा कैलकुलेशन है थोड़ी बाबू, हो सकता है कि एयर का रेजिस्टेंस ना हो एटमॉस्फेयर के अंदर। हाँ तो वो सब इग्नोर करके कॉपी कलम पे बाबू, कभी हम लोग 100% फ्रिक्शनलेस सर्फेस मानते हैं ना, लेकिन होता नहीं है, तो वो सब जो भी कैलकुलेट कर किया जाता है बाबू, है ना, एयर रेसिस्टेंस इग्नोर करके, ठीक, तो उसी को इंग्लिश में जितना भी समझा है उसी को किस में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, किस में लिखा है, यार मुझे वो वीडियो ऑन करो,
इंग्लिश में लिखा, एस्केप वेलोसिटी एट एनी प्लैनेट इज डिफाइंड एज द बबू मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिक्वायर्ड टू गो आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट का जरूरी नहीं रहे कि अर्थ का है ना, किसी भी प्लैनेट का वो है ना, किसी मान लो मार्स पे चल जा, वहां पे वो कितना स्पीड से गोली चलाओगे कि मार्स का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर निकल जाए, है ना, तो वहां का कुछ और वैल्यू होगा। ये 11.2 है, क्या है अर्थ का, क्या है अर्थ का, है ना, मार्स का कुछ और होगा। तो जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कितना होता है बाबू, 2gm/r होता है। आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताए थे ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी का कल फॉर्मूला बताए थे, gm/r बताए थे, ऑर्बिटल वेलोसिटी gm/r बताए थे, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है 2gm/r होता है। जी मेरा क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जी मेरा क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट शुरू से रट गए 6.6×10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या जो मास पे जाके खड़ा हो, मान लो है ना, जिस सेलेस्टियल बॉडी पे जाके खड़ा हो उसका मास और उसका क्या रेडियस, मान लो मंगल पे जाओगे तो मंगल का मास, मंगल का रेडियस, अर्थ पे जाओगे तो अर्थ का मास ले लो, अर्थ का रेडियस ले लो। तो यहाँ अर्थ का मास पुट करो 6×10⁻²⁴ kg, रेडियस अर्थ का पुट करो 6400 किलोमीटर, सारे का वैल्यू पुट करो तो जो इसके वेलोसिटी आएगा आपका कितना आएगा कैलकुलेट करके 11.2 km/s आएगा, है ना। तो इसको बड़का जी के टर्म में हो गया, अगर छोटका जी के टर्म में लिखना, छोटका जी के टर्म में, तो छोटका जी का फॉर्मूला क्या बताए थे, gm/r² बताए थे, छोटका जी का यही बताए थे ना जी, gm/r कितना बताए थे, r² बताए थे। आज कौन कौन नहीं आएगा अटेंडेंस बनाना, ठीक, अब gm/r², ठीक, अब समझना है यहाँ से। तो इसके वेलोसिटी कितना होता है 2gm/r होता, कितना 2gm/r, ठीक, हमको नीचे क्या यहाँ r² है ना, तो अपने मन से r से ऊपर नीचे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, अपने मन से ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में छोटका जी में आर स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर लाने के लिए क्या किया मल्टीप्लाई कर दी, तो जी एम नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर, आर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आई कोई ऊपर वाला आर रह गया। अरे ये आर से ऊपर नीचे किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप कुछ भी गुना भाग कर सकते हैं, है ना, लेकिन हाँ भाग करने के लिए बाबू उसके बाद क्या होना चाहिए एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली कट के वही बचेगा ना, ठीक। तो gm/r कितना हो गया आर स्क्वायर हो गया, gm/r कितना हो गया आर स्क्वायर। अब gm/r² क्या है सर, छोटका जी है, gm/r² क्या है छोटका जी है, तो छोटका जी इंटू आर, तो इसके वेलोसिटी छोटका जी के टर्म में कितना हो गया √2gr, कितना हो गया 2gr, है ना, ये हो गया। अब इसी में बाबू छोटका जी का अर्थ पे वैल्यू पुट करो, छोटका जी का अर्थ के सर्विस कितना होता है 9.8 m/s² होता, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर होता, मान लो मून पे निकालना तो मून पे छोटका जी का वैल्यू कितना होता है, इसको 6 से डिवाइड कर दो और रेडियस ऑफ मून पता करो, है ना, तो वहां पे आपको छोड़िए एस्केप वेलोसिटी निकल जाएगा। यहाँ हम लोग अर्थ वाला डाटा लिए, यहाँ हम लोग क्या लिए अर्थ का डाटा लिए, तो अर्थ का निकल जाएगा, तो 11,200 m/s किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 11.2 km/s आ जाएगा। मतलब अर्थ के सरफेस पे बाबू क्या होगा, है ना, अगर इतना स्पीड से दे दिए किसी ऑब्जेक्ट का, है ना, स्पीड इतना दे दिए एक सेकंड में कितना 11.2 km, तो क्या होगा अर्थ के सरफेस से क्या होगा बाहर निकल जाएगा, है ना, फिर उस पर अर्थ पे कभी रिटर्न होकर आई नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, है ना, इतना हाई स्पीड में अप्लाई नहीं होगा, तो अर्थ पे रिटर्न होकर नहीं आएगा, वो चला जाएगा, है ना, यूनिवर्स में चला जाएगा, ठीक ठीक बाबू। तो यही मेरा क्या था एस्केप वेलोसिटी था, यही मेरा क्या था एस्केप वेलोसिटी था। अब हमको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल वगैरह पढ़ना है ना, अब हमको क्या पढ़ना है थोड़ा सा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल वगैरह पढ़ना है, तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रेशर पढ़ना पड़ेगा। आर्किमिडीज में है ना, कोई भी बॉल को हम लोग पानी के अंदर डालते हैं, है ना, बायंसी फोर्स वगैरह, है ना, तो वो ऊपर की ओर क्यों हो जाता है ना, जैसे कोई बॉल ऑब्जेक्ट है बाबू, है ना, तो मान लो पानी है या नदी है, नदी में जाओ, नदी है, नदी में लेके जाओ, है ना, नदी में जाओ और वहां पे 10 kg का कोई वजन ले लो, है ना, और ऐसे हाथ में कैरी करो और उसको पानी में डाल के कैरी करो, है ना, तो पानी में कर डाल के कैरी करोगे तो आपको हल्का प्रतीत होता, क्या होता हल्का प्रतीत होता, नहीं विश्वास होता था, स्नान करते हो सारे बच्चे, एक जग जग को ऐसे हवा में उठा और फिर उसी जग को पानी में डाल के उठा, है ना, तो जब पानी में जल जग को डाल के उठाओगे ना तो आपको जग क्या होगा हल्का प्रतीत होगा, है ना, तो ये सब किसके कारण होता है, किसका कमाल है, सब प्रेशर का कमाल है, किसके कारण है प्रेशर का कमाल, है ना, तब थोड़ा सा हम लोग बैंसिक फोर्स वगैरह प्रेशर वगैरह पढ़ लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्या, हाँ बैंसिक फोर्स होता है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह आएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ये सब जो इसी में पढ़ना है, है ना, फोर्सेस वगैरह इसी में हम लोग कंटिन्यू कर ले, ये सब जो भी टॉपिक है वो जिंदगी भर आप लोग को यूज होगा, जिंदगी भर यूज होगा, है ना, रियल लाइफ चीज है। आपका ईयरबड का माइक ठीक हो गया, तभी काम करता है, एगो कान से निकाल देगा तो काम नहीं करता, काम नहीं करता, ठीक है ना, इसलिए हम लोग निकाल के बार बार बात कर रहे थे तो नहीं जा रहा था,
दोनों कान में रहेगा तभी है, सेंसर रहता है जी, कान से दूर करो या हटाओ, बंद हो गया, कान में जाओ चालू हो गया, यही है बाबू। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, ब्लूटूथ से क्या है ना कि ये भोले शंकर के जयमाला जैसा लगता है ना, बहुत लंझार लगता है, टी शर्ट पे लिखा हुआ फॉर्मूला वर्मूला दिखाई नहीं देता है, पूछो कितना बड़ा लंझा रहता है। हाँ सर, तो उससे आपका भी तो फला होता होगा, तो आप हटा के दिए, हमारा आप लोग का भला होना चाहिए बाबू, हम लोग का क्या भला होगा। नेक्स्ट बाबू फ्लूइड प्रेशर, ब्लूटूथ का ऐसे इसमें मजबूरी बाबू दोनों यूज करना पड़ता है, घाटा ही बाबू, कान जल्दी खराब हो जाएगा, उसमें एक ही वो यूज करते थे, वो लटका हुआ रहता था, है ना, अब ऐसा है कि इसमें दोनों कान में रहेगा तभी काम करेगा। माला जैसा लग रहा था सर आपको। हाँ फ्लूइड प्रेशर इसको थोड़ा सा सीखते हैं ना, इसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। तो फ्लूइड किसको कहते हैं बाबू, है ना, जो भी चीज बाबू फ्लो करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसा बाबू अवधारणा हम लोग के बीच है बाबू, है ना, कि जो बाबू गैस है उसी को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, बल्कि जो पानी बाबू उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ऐसा नहीं बाबू, जो चीज फ्लो होगा जो चीज बहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। तो मेरा गैस भी फ्लूइड होता है और मेरा क्या होता है, वाटर भी, लिक्विड भी फ्लूइड होता है ना, दोनों को एज हम लोग फ्लूइड कहते हैं ना, ऐसे अवधारणा में कि लिक्विड को ही हम लोग फ्लूइड कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, गैस भी मेरा फ्लो होता है ना, तो जो चीज फ्लो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे ना, फ्लूइड कहेंगे, ठीक ठीक बोला। नेक्स्ट होता है फ्लूइड को डिफाइन करो बाबू, फ्लूइड किसको कहते हैं, अब फ्लूइड जो प्रेशर लगाएगा बाबू, फ्लूइड जो प्रेशर लगाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड प्रेशर कहेंगे, कोई भी फ्लूइड गैस रहे चाहे वाटर है, जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, है ना, फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड प्रेशर कहेंगे। शांतनी कैमरा डाउन कीजिए बाबू, एयर प्रेशर एयर प्रेशर सब बताएंगे, शांत रहो। दो सबस्टांस बाबू, फ्लूइड किसको कहोगे, दो सबस्टांस बाबू, दो सबस्टांस बाबू, विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो बाबू, जो बाबू क्या हो गए, फ्लो हो गए इजिली, दो सबस्टांस विच कैन फ्लो इजिली इज कॉल्ड, इज कॉल्ड फ्लूइड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड, जितने भी लिक्विड और गैसेस हैं, ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड, नहीं ना लिख रहे मिस्टी, क्या पढ़ेगी बाबू, ऐसी रह जाएगी बाबू, कमजोर रह जाएगी, लिख भी नहीं करेगी बाबू, तो कोई भी पृथ्वी पे आदमी ऐसा नहीं बाबू, 7 दिन 8 दिन से ज्यादा नहीं याद रहेगा, इसीलिए लिखा था बाबू कि आप लोग कभी मान लो कितना याद रहेगा जी, खाली राम आए राम गए राम सुनोगे तो कोई फायदा नहीं करेगा, अभी याद हो जाएगा समझ में आ जाएगा, 5 दिन के बाद फिर भूल जाओगे, ठीक है ना, तो लिखना कंपलसरी होता, नहीं लिखोगे खुद पछताओगे। अब फ्लूइड एग्जर्ट, अब फ्लूइड मेरा क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, फ्लूइड एग्जर्ट प्रेशर, समझाते हैं लिखो, इन ऑल डायरेक्शन All direction that is vertically upward, सभी direction vertically upward भी लगेगा, इसको समझना, ये सही, ये theoretical जो topic है, इसमें numerical वगैरह नहीं है, बहुत कम है, vertically upward है ना, downward नीचे की ओर भी लगेगा, on the side of container and on the side of container, लिखो समझाते हैं, फ्लूइड का थोड़ा थोड़ा लिख लो, जैसे बोला क्या बाबू, एक बैलून ले लो, बैलून फिला बोला इस तरह से, है ना,
ठीक है, तो इसमें क्या गैसेस है, इसमें क्या गैसेस है, इसमें हवा भरते जाओ भरते जाओ, तो जो गैस है बाबू वो क्या लगता है चार, ये शुभ सहित आराम करो, ये गैस क्या करेगा इसके बाल पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। अरे गैस क्या करेगा चारों तरफ से क्या लगाएगा इस पे, प्रेशर लगा लेफ्ट राइट अप डाउन हर एक डायरेक्शन में क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा हर एक डायरेक्शन में क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, है ना। और भरते भरते और ज्यादा बाबू, अगर नहीं प्रेशर एग्जर्ट करता बाबू तो बैलून मेरा क्या होता, फूटता नहीं, बैलून मेरा क्या होता नहीं फूटता, है ना, नहीं फूटता। कहाँ गया जी बैलून है काबू जी, ठीक है बैलून को देखो फुलाओ, बैलून को क्या करो बाबू फुलाओ, है ना, बचता है कि खत्म हो गया, रखे तो थे जी लिटमस पेपर, देखो ये बैलून है सही है कि खराब है, ये बैलून है क्या बाबू, बैलून है, इसको फुलाओ, इसको क्या करो फुलाओ, ठीक, तो इसमें एयर जाएगा, अब इसमें क्या गया बाबू एयर गया, तो इसके अंदर आप लोग इमेजिन करो कि हम लोग अंदर हैं, तो अंदर से एयर क्या कर रहा है इसके सरफेस को क्या कर रहा है बाहर की ओर, क्या कर रहा है खेल रहा है, अंदर से इसके सरफेस को क्या कर रहा है बाहर की ओर खेल रहा है, क्या कर रहा है बाहर की ओर पुश कर रहा है ना, बाहर की ओर पुश कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण आपका क्या ये फुला हुआ है ना। और बाहर से भी क्या कर रहा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर, एयर भी बाबू जो बाहर सराउंडिंग इसको क्या कर रहा है अंदर की ओर खेल रहा, तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या बैलेंस है, तो आपको इतना क्या आ रहा है फुला हुआ नजारा दिखाई दे रहा है ना। और इसमें हवा भरोगे तो और ये फैलेगा, और हवा बढ़ोते एयर मॉलिक्यूल इस पे क्या लगेगा और ज्यादा प्रेशर लगाएगा, एक समय ऐसा आएगा बाबू कि इस पे एक समय ऐसा आएगा है ना बाबू कि अंदर से प्रेशर लगाते लगाते इसका क्या होगा टॉलरेट करने की कैपेसिटी है, एक समय ऐसा आएगा कि अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा क्या होगा बढ़ जाएगा है ना, अजय बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा फट जाएगा, क्या हो जाएगा फट जाएगा है ना, तो इसमें क्या भरा हुआ है सर। हाँ बाबू सर बाहर से भी तो उतना ही प्रेशर लगेगा तो फिर फटेगा कैसे बाहर, अरे शैतान बाहर से बाबू, बाहर से बाबू जो प्रेशर लग रहा है हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे टेंशन नहीं लो, बाहर से एक एक जो प्रेशर लग रहा है 1 atm का वो फिक्स प्रेशर है ना, तो अंदर से बाबू प्रेशर लगते लगते जब तक वो बाहर वाला का बराबर करेगा तब तक तो ये सेम रहेगा, हम मान लो अंदर से प्रेशर बहुत ज्यादा भर दिया, अरे शैतान देखो जैसे टायर है बाबू, तो टायर में प्रेशर हवा भरते 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 बाबू एक सर्टेन लिमिट का अगर बाबू बाहर कर देते हो, सर्टेन लिमिट से क्या कर देते हो मैंने बाहर वाला प्रेशर से क्या कर देते हो, बाहर का जो एटमोस्फेयर का प्रेशर वो फिक्स है ना जी, वो एटमोस्फेयर का प्रेशर फिक्स है 1 atm होता है ना 760 mm जी होता है ना, अगर उससे ज्यादा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा फट जाएगा, ये क्या हो जाएगा ब्लास्ट कर जाएगा फट जाएगा ना, तो ये आखिर फट क्यों रहा है सर, क्योंकि इसमें हवा भरल है, इसमें क्या भरा हुआ हवा भरा, हवा इसके दीवार को चारों तरफ से क्या कर रहा है ठेल रहा है बाहर की ओर, क्या कर रहा है ठेल रहा है ठेल रहा है ना, तो हवा जब इसके दीवार को ठेल रहा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्लूड प्रेशर कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे फ्लूड प्रेशर कहेंगे और कुछ नहीं, और क्या है वो फ्लूड प्रेशर ना, ठीक है, इसमें पानी भर दो, इसमें क्या कर दो पानी भर दो, पानी भर दो तो पानी भी क्या करेगा इसको पानी भरोगे तो ये भी फूलेगा है ना, फूलेगा है ना, तो उस पानी के द्वारा प्रेशर लगे है ना, तो पानी या हवा के द्वारा लगेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे फ्लूड प्रेशर कहेंगे ना, फ्लूड प्रेशर कहेंगे, ठीक। आगे एक फार्मूला होता है वो है ना, आगे एक फार्मूला होता है बोला, आगे एक फार्मूला होता है फ्लूड प्रेशर का जो बाबू फार्मूला होता है इसको ध्यान देना है ना, इसको समझाते हैं ठीक है बाबू, मैथमेटिकल बाबू है ना फार्मूला फ्लूड प्रेशर बाबू, नेक्स्ट एक फार्मूला होता है डायग्राम बनाना है, हाँ जी एक फार्मूला होता है आप लोग जानते होंगे शायद, क्या था बाबू फार्मूला फ्लूड प्रेशर का जो फार्मूला होता है, मान लो बाबू समुन्द्र वगैरह में जाओगे तो समुन्द्र वगैरह में जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे बाबू है ना, आप पे क्या होगा है ना बाबू, आपका बाबू क्या होगा आप पे प्रेशर ऊपर से क्या होगा वाटर का बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे समुन्द्र के नीचे चलते जाओगे बाबू आपका क्या होगा वाटर का प्रेशर क्या होगा बढ़ते जाएगा है ना बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, मतलब बाबू समझाते हैं, ये मान लो वाटर है कितना हाइट पे एच हाइट पे है ना, एच हाइट पे ठीक, कितना है एच हाइट पे जो मेरा, तो जो ये बाबू प्रेशर है वाटर है बाबू एट हाइट एच पे, और मान लो अंदर बाबू क्या है कोई मछली वगैरह बोला है ना, मछली वगैरह बाबू ये मान लो मछली वगैरह है तो इस पे कितना प्रेशर लगाएगा पानी है ना, आप समुद्र के अंदर जाओ तो देखते हो जो डाइवर्स होता है ना स्कूबा, उसको क्या कहते हैं स्कूबा डाइवर्स कहते हैं बाबू, उसके लिए स्पेशल क्या होता है सूट होता है, हम लोग ये सब कपड़े में चल जाओ ना तो पानी आपको प्रेशर लगा के आपको क्या करेगा है ना बाबू बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसके लिए स्पेशल सूट होता है ना, तो वही जो प्रेशर बाबू प्रेशर इजेक्टेड बाय बाबू है ना, प्रेशर इजेक्टेड बाय लिक्विड बाबू, हार्ड पे चले जाएंगे तब भी तो प्रेशर प्रेशर इजेक्टेड
एग्जर्टेड बाय लिक्विड। हाँ बाबू सर, पहाड़ पे चले जाएंगे तब भी तो प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ तो वो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है रो होता है जी होता है एच होता है, ठीक है ना भेर बाबू, याद रखना। भेर जो रो है बाबू डेंसिटी है, जिस लिक्विड का निकाल रहे वो क्या है बाबू डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ क्या बाबू लिक्विड है, हर एक लिक्विड का अपना अपना क्या होता है डेंसिटी होता है। डेंसिटी ऑफ क्या है लिक्विड, ठीक। एच मेरा क्या बाबू हाइट है, हाइट बाबू, हाइट ऑफ बाबू लिक्विड। एच मेरा क्या हाइट ऑफ लिक्विड, देखो एक एक्टिविटी करके दिखाते हैं। जी मेरा क्या बाबू, अब जी मेरा बाबू अर्थ के सरफेस पे मेरा क्या ये है ना, ये जी मेरा क्या वही बाबू रो पढ़ते हैं आर एच ओ पढ़ेंगे रो। पढ़ाऊं सर बड़ा सर। हाँ जी मेरा क्या है, अभी पढ़ाते आ रहे हैं बाबू जी मेरा, इसीलिए हम लोग यहाँ हमको जी का यूज है, इसीलिए आपको हम ग्रेविटेशन के बाद पढ़ाए, चाहते तो शुरू में पढ़ा सकते हैं। जी मेरा क्या वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जी मेरा क्या है ना ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी ताजा ताजा पढ़े एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। कितना होता है सर 9.8 मीटर पर सेकंड होता स्क्वायर होता, ठीक सर। हाँ ऊपर से फिफ्थ लाइन पे वर्टिकली अपर डाउन ऑन एंड के बाद क्या लिखे हैं, ऑन द साइड ऑफ कंटेनर एंड ऑन द साइड ऑफ कंटेनर, मुझे ऐसा लग रहा है सर। ओ यू अच्छा भेज देते, बोली लिखे समझाते बाबू, ये रेडमी को नहीं जी जिंदगी जी राज लाभ बाबू जी लो एक छड़ी आज का कर देते लाभ लव। 13 तारीख वीडियो बन सर, पीछे गए फोन करने के लिए, फोन करने गया है मम्मी वाले फोन करने, इसलिए पीछे गए तो वीडियो बंद हो गया। अरे बाबू आप ऐप से वीडियो बंद नहीं होता, आप जूम ऐप से जैसे एग्जिट करोगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। नहीं सर। तो बंद हो गया भाई सर, जरूरी नहीं कि जूम ऐप से एग्जिट करे तब अपने आप भी कर सकते हो। अपने बंद वो अपने से क्यों बंद करेगा, वो एग्जिट करोगे बंद हो जाएगा, बाकी तो अपने से बंद होता ही बाबू। नेक्स्ट बाबू, तो जो प्रेशर होता है लिक्विड के द्वारा वो किस डिपेंड, वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, उसके हाइट पे डिपेंड करेगा, उसके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, है ना। किस पे डिपेंड करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब बाबू ये बोला कि मान लो तीन को अगर आप कंटे ये वाटर बोतल ले लो, है ना, और उसका एक्टिविटी करो बोला कुछ इस तरह से, है ना, ठीक है ना, वाटर बोतल ले लो बोला इस तरह से, आपका क्या हो गया। हाँ जी सर, we have 15% only charges, we can leave sir। ओके बाबू, यू कैन लीव बाबू एंड कंप्लीट द होमवर्क बाबू। हाँ सर। ये दोनों शैतान को दे दिए, एक से लेकर 500 तक के रोमन बस बनाते रहो बाबू। इधर हम लोग क्या कर देते, होल कर देते, इधर भी क्या कर देते, होल करते सेम हाइट पे जो दिए हैं। अब सेम हाइट पे होल करो बाबू, ऊपर से कितना हाइट पे, एच हाइट पे होल कर दी, वाटर का जो लेवल है वहां से कितना हाइट पे, एच हाइट पे लो होल कर दिए, ठीक। तो ये जो वाटर नीचे सरफेस पे गिरेगा भोला मेरा, दोनों सेम हाइट से गिरेगा बाबू, सेम दूरी जाएगा कि आगे पीछे जाएगा, बोलो शांतनी। ये जितना दूरी इधर जाएगा पानी से निकलेगा ना शांतनी, होल करोगे तो भोले। हाँ सर, सर सेम दूरी पे जाएगा, जितना इधर दूर जाएगा उतना ही क्या जाएगा, इधर दूरी जाएगा, ठीक। मान लो एक्स मीटर गया तो इधर एक्स मीटर गया, ठीक। दूसरा केस क्या बाबू, यही वाटर बोतल होल जो कर रहे बोला, है ना,
अभी जो होल कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे करो, इसका कंक्लूजन लिखाते हैं। ए शांत बोला, शांत हाँ जी, नीचे वाला लिखना, इसको ड्रा करना। अभी हम लोग क्या करते हैं सर, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे मान लो दो को तीन को होल कर लो, एक यहाँ कर लो ठीक, एक यहाँ कर लो और एक यहाँ कर लो ठीक। अब जो पानी गिरेगा बाबू सबसे दूर किसका प्रेशर जाएगा बाबू, सबसे दूर में कौन गिरेगा जाके, सबसे नीचे वाला सबसे दूर जाएगा, जो नीचे वाला। देखो अब शांति से यहाँ समझने वाला बात है, जो बाबू लिक्विड के द्वारा इसमें मान लो पानी भर दोगे, जो लिक्विड के द्वारा बाबू, जो लिक्विड के द्वारा प्रेशर एग्जैक्ट होगा है ना, आप समुद्र के अंदर चलोगे तो आपके कितना प्रेशर लगेगा हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए फार्मूला है सर। क्या फार्मूला? रो जी एच का फार्मूला। आप समुन्दर के सरफेस से कितना अंदर गिले हो उसका वैल्यू, हाइट नाप लो, जी का वैल्यू 9.8 ठीक से, और रो मेरा क्या होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, तो पानी का डेंसिटी कितना होता है 1000 किलोग्राम या एक ये ग्राम सेंटीमीटर करके होता है ना ठीक है, तो डेंसिटी लिक्विड का पता चल जाएगा, जी पता चल जाएगा, हाइट पता चल जाएगा, तो आप पे पानी कितना प्रेशर लगाएगा वो निकाल लोगे ठीक। तो मेरा जो प्रेशर है बाबू, प्रेशर ऑफ लिक्विड हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे। ज्यादा समुद्र के अंदर जाओगे तो ज्यादा प्रेशर, का ज्यादा ऊपर रहोगे तो कम प्रेशर, कम प्रेशर है ना, कम प्रेशर। तो यहाँ पे यह ऊपर सरफेस से मान लो यहाँ से हाइट कंसीडर करोगे, बोला यहाँ से अगर हाइट कंसीडर करोगे तो ये सबसे ज्यादा दूर है ना, तो इसके द्वारा जो पानी निकलेगा दूर तक जाएगा, कहाँ जाएगा, इसके द्वारा जो पानी निकलेगा दूर तक जाएगा, दूर तक जाएगा ठीक। नेक्स्ट ये थोड़ा ऊपर से हाइट लेना, नीचे से हाइट नहीं लेना, बॉटल के सरफेस से जहाँ सरफेस है, तो यहाँ पे सरफेस है मान लो पानी लवा लवा यहाँ तक भरा हुआ है ना, तो यहाँ से नीचे वाला सबसे ज्यादा दूर हाइट पे है ना, तो इसके द्वारा जो पानी निकलेगा ज्यादा दूर तक जाएगा। नेक्स्ट बाबू ये थोड़ा मिडिल में, तो इसके द्वारा जो पानी निकलेगा थोड़ा नजदीक गिरेगा है ना, कहाँ गिरेगा, थोड़ा नजदीक गिरेगा है ना, यहाँ पे गिरेगा। और जो सबसे ऊपर वाला बाबू, जो सबसे ऊपर वाला है, तो इसके द्वारा जो पानी निकलेगा है ना, इसके बोतल के पास ही में गिरेगा है ना, पास में गिरेगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर, मतलब इसका कंक्लूजन। हाँ बाबू सर, हम क्लास लीव कर रहे हैं, दवाई लाने जा रहे हैं। क्या हो गया भोला? सर ऐसे ही बुखार हो गया। ऐसे बुखार है बाबू? यस सर, गर्मी के कारण नहीं। शैतान गांव में जाके खेलेगा तो यही होगा ना सर। सर जो पानी है सर, वो अगर एक दूसरे पे गिर जाएगा सर तो आगे कैसे जाएगा, रुक जाएगा, करके दिखाते हैं ना जी ठीक है। नेक्स्ट बाबू, तो जब प्रेशर देखो शैतान, एक वाटर बोतल लाते उसमें तीन को छेद करते हैं, बताएंगे यहाँ से तब ना जी। सर स्क्रीनशॉट पढ़ाइएगा तो, जी ड्रॉ करना है। देखो ये क्या बोला, मेरा वाटर बोतल है ठीक है ना, अब यहाँ से ऑब्जर्व करना, इससे जो पानी निकलेगा बोला, हंसते क्या हो शांति, हाँ स्प्राइट है ठीक है ना, स्प्राइट है ठीक। इसको नीचा करते, ज्यादा ऊंचा हो गया, इसे देखो बाबू अभी पानी नहीं ना गिर रहा बाबू, इस वाटर बोतल से पानी नहीं गिर रहा ठीक सर, क्योंकि इसमें हवा नहीं जा रहा सर, इसीलिए हवा नहीं है बाबू। देखो इससे पानी गिरेगा, ऑब्जर्व करना जी, ऊपर से कैप बंद है सर इसीलिए नहीं जा रहा है। अच्छा नजदीक से करते तब आप लोगों को दिखाई देगा, बचवा सब शैतान है। हाँ बाबू इसमें पानी भरा हुआ, अरे बनाना नहीं, रुको जी सर, अब पहले से होल बना के रखे, उसको टेप से चिपकाए होल को। देखो इधर से पानी निकलेगा, देखना बाबू किधर से कौन कितना दूर में जा रहा है ना, आगे से करे बाबू किधर, साइड व्यू ठीक रहेगा ना जी सर, आप टेप से चिपकाया सर। हाँ सर साइड में रखिए, हाँ साइड में, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा ठीक है ना ठीक। बाबू इधर करते हैं, चलो बाबू सर थोड़ा पीछे रखिए, वरना सबसे पीछे रखिए वरना नीचे गिर जाएगा पानी है ना ठीक है। यहाँ है तो आगे मत रखिए वरना नीचे गिर जाएगा। यहाँ है, यहाँ देखना वो सबसे दूर वाला कौन जाएगा ठीक, दिखाई दे रहा बाबू ऐसे तान दिखाई देता है जी, ऐसे दिख रहा। हाँ ठीक है वो देखना, ऐसे करके पहले ऐसे करके ना हटाएंगे जी, हॉरिजॉन्टल मोड में ना हटाएंगे
ठीक। नेक्स्ट बाबू देखो सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ जा रहा है, दिख रहा बाबू? एगो जो है दिख रहा है जी, ऊपर वाला तो बाबू लास्ट वाला पे सर दिख रहा है। ऊपर वाला क्या रहा है, इसी के पास गिर रहा है। ऊपर वाला क्या हो रहा है, इसी के पास गिर रहा है। और जो बाबू है ना जो सबसे नीचे वो क्या जा रहा है, सबसे दूर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सबसे दूर में जा रहा है। दिख रहा है जी कि ना दिख रहा है बाबू? नीचे बर्तन ठीक। तो यही है बाबू, ऐसा आखिर हो क्यों रहा है सर, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है बाबू? इसलिए हो रहा है बाबू कि जो सबसे नीचे में उसका क्या हाइट बढ़ गया, तो हाइट बढ़ गया तो उसके द्वारा प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। उसके द्वारा प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। नीचे वाला का हाइट ज्यादा है ना, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा। और ये वाला क्या होगा, थोड़ा कम दूर तक जाएगा, क्या होगा कम। ऊपर वाला बाबू बेचारा सरेंडर बोल गया है ना, सरेंडर बोल गया। ठीक, तो यही होता है सर। ढक्कन खोलिएगा तब, हाँ ढक्कन खोल दीजिएगा। ढक्कन खोल भी दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बाबू, उसे कोई चेंज नहीं होगा ना। वो थोड़ा बहुत एयर प्रेशर लगे, ज्यादा दूर तक जाएगा, पूरा का पूरा गीला हो गया। नेक्स्ट, तो मतलब हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर, जो प्रेशर होता बाबू मेरा किस किस पे डिपेंड करता, लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता, और किस पे डिपेंड करता, छोटका जी पे है ना, और किस पे डिपेंड करता है ना बाबू, और किस पे डिपेंड करता, हाइट पे डिपेंड करता है ना। तो इसी बात को किस में लिखना, इंग्लिश में लिखना, किस में लिखना, ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना, इसको ड्रॉ करना, ड्रॉ करो द प्रेशर बाबू। अभी गर्मी का दिन है बाबू, पूरा भींगेगा तो तुरंत आदमी सूख जाएगा। द प्रेशर एग्जर्टेड एग्जर्टेड बाय बाबू अ लिक्विड। सर ये डायग्राम भी ड्रॉ करें। हाँ बोले, लिक्विड एट ए पॉइंट। अभी आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर का मतलब समझाते हैं, ठीक है ना, उसका भी बाबू। एट ए पॉइंट बाबू इनसाइड, देखो एटमोस्फेरिक प्रेशर के लिए देखो आप लोग है ना, ये क्या है जी बताओ बाबू, टेस्ट ट्यूब है, क्या बोले, टेस्ट ट्यूब है। इसमें क्या भरा हुआ बाबू, क्या है सर, नाली वाला पानी, कूट देंगे पकड़ के नाली का सर, पानी, ब्लैक वाटर, पानी ब्लैक वाटर। यहाँ देखो रेड वाटर, ये कौन वाटर, रेड वाटर है ना सर। तो ब्लैक वाटर सर और रेड वाटर में क्या फर्क सर, ब्लैक वाला पानी तो नाली वाला पानी है ना। चलो बाबा वो पढ़ेंगे तब, वो जब तक सीखे, पहले इसको सीख दे। प्रेशर इजेक्टेड बाय लिक्विड बाबू एट ए पॉइंट बाबू, जानते हैं क्या बोला, ब्लैक वाटर का टेस्ट जानते हैं। अरे ब्लैक वाटर नहीं बाबू, इंक डाल दिया तो ब्लैक हो गया, आदि करता है जी। सर रेड वाला में क्या किया, रेड वाला में जो मम्मी जी आपका बाबू है ना, जो ये पॉलिश नहीं होता शादी ब्याह में, वो पैर नहीं रंगा जाता है, ठीक है ना, अल्ता सर, अल्ता, अल्ता, अल्ता बोला। देखो ये है ना, अरे हम लोग देखो बाबू ये भी है ना, यही अल्ता है, देखो दुल्हनियन सज जावे, ठीक है ना, लगाते हैं सर, सब लगाते हैं। हम काले लगाएंगे जी, घर में पड़ा हुआ था तो यूज करो सर। तो घर में क्यों आया सर, आप खरीदे तभी ना। अरे घर में ये सब बाबू हम लोग काले खरीदेंगे बाबू, ये सब वही बाबू जो मूर्ख रहता है ना, नेल पॉलिश करो उसमें पैसा लगाओ, फिर थिनर लगाओ, फिर उसको हटाने के लिए पैसा छुड़ाने के लिए लगाओ, तो ये सब बाबू हम लोग काम नहीं करते, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब बाबू मूर्खता वाला काम है ना बाबू। नेल पॉलिश के लिए आप नेल पॉलिश करोगे, उसमें पैसा लगाओगे, फिर बाबू कौन खरीदा, फिर उसको छोड़ाने के लिए पैसा लगाते हो, तो इससे बड़ा कोई मूर्खता बाबू, जब रंग छोड़ाना ही था तो रंगा क्यों। और वो बाबू उसके ईशा का देखो पूरा पांचों फिंगर रंगे हुए रहती है, देखो बाबू शांत। सर आपके घर में मूर्खता वाला काम कौन किया, लेडीज सब बाबू, ये सबका बुद्धि नहीं रहता बाबू, क्या करोगे। ईशा को देखिए भोला है शांत, पांचों उसका फिंगर देखे एकदम एकदम ब्राउन ब्राउन थी, कुछ नीला नीला दम, क्या फायदा है, वही फिर पेट में जाएगा कि नहीं। ईसा बोली, ईसा नेचुरल ब्यूटी बाबू, नेचुरल ब्यूटी होता है, ठीक है ना, हाइट ऑफ द लिक्विड। अब कौन समझाए बाबू, ज्यादा समझाओगे तो फिर बात भी सुनोगे, इसीलिए शांति रहने में फायदा। द डेंसिटी of the liquid, third number babu, isolation depends upon babu, directly proportional to the babu, isolation,
ड्यू टू ग्रेविटी। लिखो सैतान, ये सब चीज कुछ नहीं बाबू, ये सब खाली समझने वाला चीज होता है, थ्योरेटिकल चीज है, इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। जल्दी लिखिए, फार्मूला याद रखना, जिंदगी भर यूज होगा। जो प्रेशर होता बाबू वो जिंदगी भर यूज होता है, रोज जी एच नहीं याद रहेगा पीट देंगे। सर रो क्या है? सर रो डेंसिटी है, लिक्विड का डेंसिटी और होता है, आइस का कुछ और होता है, मरकरी का कुछ और होता है, बताएंगे आगे आपको, डेंसिटी भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, सारा चीज पढ़ाएंगे। रो और कहीं बस ये डेंसिटी में यूज होता है। हाँ रो को हम लोग जनरली डेंसिटी से इंडिकेट करते हैं। जल्दी लिखो बाबू, नेक्स्ट बाबू एटमोस्फेरिक प्रेशर। जल्दी लिखो एटमोस्फेरिक प्रेशर समझाते हैं। गुड इवनिंग सर। आज कौन कौन अब्सेंट है जी, अटेंडेंस नहीं बनाए बाबू। है बाबू समझ में आता है जी? है शिवानी? यस सर, आप हम पे ऐसा क्यों करते हैं? आप पे क्या करेंगे भोली शिवानी हाथ, आप तो मेरी प्यारी बच्ची हो बाबू, आप तो सीधी सादी हो, है ना, आप पे क्या करेंगे, आप पे नहीं करते भोली। ये सब बाबू बहुत सारे हैं ना जो पढ़ने के सिवा बाबू फैशन शो करने जाता, आप लोग स्कूल में जाते तो देखते नहीं बाबू, एक छोटा सा थैली है ना बाबू पूरा हाई फाई में, तो उसे पढ़ने थोड़ी जाता है, आप तो मेरी अच्छी बच्ची। लिखो बाबू नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू एटमोस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना, इसको समझना। सर कॉल डिफाइन कर दीजिएगा, समझा दीजिए। कौन कौन गया जी? नेक्स्ट बाबू ईसा, पढ़ाई उड़ाई पे ध्यान देती है बाबू, ये बोली। हाँ तो जितना देरी पॉलिश करती हो उसके बाद उसमें थीनर लगाती हो उतना देरी करोगी तो ये बाबू प्रेशर का फॉर्मूला याद हो जाएगा ना जी, रो जी एच, अब मेरा फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला याद हो जाएगा ना बाबू, दस अंगुली। अरे आप ही लोग से सीखते हो, दिन भर बच्चे के पीछे तो रहते बाबू, पांच अंगुली इसमें, पांच इसमें, पांच पैर बीस, मतलब मिला के दो घंटा टाइम, एक घंटा पॉलिश करने में, एक घंटा छोड़ाने में बाबू, उतना देर में मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला, देखो ये सब सब याद हो जाएगा, ये सब है ना, ये प्लस बी के होल क्यू, माइनस बी के होल क्यू, ये सब यूज पड़ेगा, ऐसा पीछे है ना टाइम थीटा, तो सब यूज पड़ेगा सर, लगाने कोई तुरंत उसको छुड़ाता है। अरे बाबू दो दिन के बाद है छोड़ाइए, क्या फायदा बाबू, जब छोड़ाना ही था तो लगाए क्यों बाबू, सबसे बड़ा तो बात यही होता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर बाबू, देखो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसको समझो, ये और आसान है, ये और आसान है ना, जैसे बाबू मान लो अगर भोला मेरा ये मान लो क्या है, कंटेनर है ना, अगर इसको उलट के डालोगे भोला कहीं ना गिरे नहीं जी, है ना, तो इसको अगर इस बीकर को बाबू उलट के इसमें डाला जाए, है ना, इसको और थोड़ा सा भर देते हैं, कुछ नहीं बाबू, एक में क्या बाबू काला वाला इंक डाला हुआ है और एक में क्या आलता रंग डाला हुआ है ना, बढ़िया वाला लट्टा आलता, इसीलिए एकदम केसरिया केसरिया होने, है ना, अब इसको उलट के, रेड पेन है सर, रेड पेन का इंक डाल दीजिए, रेड वाला नहीं था ब्लैक वाला, ठीक है ना, ठीक, अब इसको बाबू उलट के अगर डालेंगे तो ये इसका जो हाइट है बाबू क्या होना चाहिए, वाटर के लेवल का आना चाहिए, है ना, इसको इस तरह से डालो बाबू, है ना भोला, बड़ा वाला बीकर चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, अच्छे से होगा, ठीक है ना, इसको डालना है कि पानी गिरना भी नहीं चाहिए, कैसे करोगे बोल भोला, और फिर नीचे से हटाना भी है, इस पे कागज रखो, है ना, और इसको पोर करो कि नहीं सर, इसको उल्टा करिएगा तो सर ये तो गिरेगा नहीं ना। हाँ देखो उल्टा किया, अब ये बाबू क्या हुआ, वाटर का लेवल से ऊपर हाइट है, ये एक्चुअली बाबू हम लोग मरकरी के साथ एक्सपेरिमेंट करते, तो मरकरी कहाँ से ला,
आप लोग का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर सुने हो, आगे आपको पढ़ाएंगे बैरोमीटर, मरकरी थर्मामीटर, समझो बैरोमीटर जो होता है बाबू, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ HG होता है, समझना। एटमोस्फेरिक प्रेशर आप लोग जिंदगी में सुने होंगे, ये 760 mm ऑफ HG, HG किसका होता है, मरकरी का होता है, 76 सेंटीमीटर होता है सर, हाँ 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, पहले सीखना, 760 mm ऑफ HG, चाहे बाबू अगर सेंटीमीटर में लाओगे तो एक सेंटीमीटर में 10 होगा तो 76 सेंटीमीटर ऑफ HG होगा, म्यूट करो जी। HG मतलब क्या, मरकरी मतलब बाबू एक कंटेनर ले लो, शांति से समझो, एक क्या ले लो, कंटेनर ले लो, ठीक, म्यूट करो जी, किसका है रेडमी बाबू, कंटेनर में क्या करो, मरकरी भर दो, और एक ट्यूब ले लो उसमें भी क्या करो, मरकरी भर दो। तो बाबू जब कंटेनर को ट्यूब में डालोगे बाबू तो आपको देखोगे जो वाटर का कॉलम है, वो वाटर के सरफेस से कितना हाइट ऊपर रहेगा, ये 76 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, बात को समझना, वाटर के सरफेस से बाबू जैसे एक ट्यूब डालोगे कंटेनर, इसमें एक ट्यूब डालो, टेस्ट ट्यूब डाल दो, एक नीचे बड़ा वाला कंटेनर ले लो, दोनों में मरकरी भर दो, तो ये बाबू जो आपको बाबू वाटर के सरफेस जो इसका मरकरी का हाइट होगा कितना होगा, 76 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, 76 सेंटीमीटर, है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली बाबू जो ये लेवल होना चाहिए, इस पानी का लेवल है, इस पानी का लेवल सेम होना चाहिए ना जी, गिलास का लेवल है, दोनों में लेवल सेम होना चाहिए, लेकिन आपको दिखाई दे रहा बाबू जो ये वाला उठा हुआ है, ये वाला लेवल क्या ज्यादा उठा हुआ है ना, ज्यादा उठा हुआ, तो ये उठाओ क्यों बाबू, क्योंकि एयर क्या कर रहा है, इस पे प्रेशर लगा रहा है, इस लिक्विड पे क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर लगा रहा था क्या कर रहा है, नीचे से क्या कर रहा है, उसको हेल रहा, इसी कारण क्या है ये उठा हुआ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना बाबू, इससे काम तो सब चल गया, लिक्विड उठा, हाँ लिक्विड, आपको मरकरी वाला वीडियो दिखा देंगे, मिलेगा तो दिखा देंगे, है ना, अच्छे से बता देंगे ना, ठीक है ना, तो इस 76 सेंटीमीटर ऑफ HG इसको ध्यान रखना है ना, इसमें हर एक चीज का क्या होता है, मतलब होता है ना, मतलब होता है, चलो ठीक है, भोला रहने देते बाबू, सब तो चल गया, बाय सर, बाय सर, हाँ बाबू इस समय तो आप लोग देर नहीं करोगे, बाय बाय, आप कहाँ चले शांतनी, आप कहाँ चले बाबू, आपको अभी तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता, ठीक है सर, बैच चेक का टाइम वही है ना, अभी कल भर बाबू, परसों से चेंज कर देते, कल भर रहिए सर, सुबह कर दीजिएगा, तो कख नहीं करे बाबू, शाम को तो ये सबका क्लास ही रहता जाए सर, पूछिए ना सर, 5 से 6 शाम में।